हेलो दोस्तों, प्रोग्रामर शकील चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट गेट डेट मेथड। यहाँ पे देखिए इतना सारा मेथड मैं लिख दिया हूँ, जो पिछले वीडियो में आपने फोर तरीका से डेट क्रिएट करने के लिए जाना था, तो उसी से रिलेटेड मैं मेथड आपको बताऊंगा। अगर आपको सिर्फ चाहिए एयर तो आप ये इस मेथड का उपयोग करेंगे, डेट फूड एयर। अगर आपको चाहिए सिर्फ मंथ चाहिए तो आप इसका उपयोग करेंगे, गेट मंथ का उपयोग करेंगे। जो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था तो उसका छोटा सा पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप डेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर लीजिएगा और एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ डेट वेरिएबल, और इसमें मैं न्यू कीवर्ड दूंगा और उसके बाद डेट मेथड लागू कर दूंगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, सिंपली इस प्रकार से लिखूँगा और डेट वेरिएबल मैं इसमें पास कर दूंगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे एयर मिले या मेरे को डेट मिले या मेरे को मंथ मिले या मेरे को वीक मिले, तो आप इन सभी मेथड का उपयोग कर सकते हैं। जो पहला है गेट फुल एयर, तो मैंने बता दिया हूँ कि इसके माध्यम से आप सिर्फ एयर का पता कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया हूँ गेट द एयर एज अ फोर डिजिट नंबर, आपको फोर डिजिट नंबर मिलेगा एयर में। तो चलिए इसका उपयोग करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो आपका डेट एंड टाइम आपको बता रहा है, तो ये आपका आपके कंप्यूटर में जो करेंट डेट एंड टाइम होगा वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप डेट तो क्रिएट करना ही होगा। अगर आपको सिर्फ एयर चाहिए तो मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ एयर वेरिएबल, और इसमें मैं डेट वेरिएबल को लिखूँगा और इसमें लागू कर दूँगा डेट फूड एयर मेथड को, और सिंपली जहाँ पे मैं मुझे प्रिंट करना है वहाँ पे मैं एयर वेरिएबल लागू कर लूँगा। सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सिर्फ मेरे को एयर देखने को मिला। उसी जगह अगर मेरे को मंथ प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, गेट मंथ दूंगा, तो वहाँ पे मुझे सिंपली जीरो से लेके वन नंबर ही मेरे को मिलेगा। देखिए गेट द मंथ इज अ नंबर 0 to 11, क्योंकि देखिए डेट 0 से लेके 12 तक नहीं जाएगा, 0 से लेके 11 तक जाएगा। इसका मतलब है कि आपका 12 मंथ हो गया। 0 को ये जनवरी मानता है, 1 को फेब्रुअरी मानता है। तो चलिए मैं इसका भी आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका गेट फुल ईयर है, मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ गेट मंथ इस प्रकार से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मैं इसको चेंज करता हूं और यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए आपका क्या बता रहा है, आपका ये बता रहा है 5। इसका मतलब है कि ये आपका जून रिटर्न कर रहा है 5 से। अगर आप 1 से इसको देखेंगे तो आपको मई आना चाहिए, बट ये 0 से ले रहा है, इसीलिए ये आपका क्या आ रहा है, जून आ रहा है। तो चलिए मैं इसको और भी इनहेंस करके आपको बताता हूँ। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सिंपली मैं एक एरे वेरिएबल है लेता हूँ। इस प्रकार से मैं एक एरे बनाता हूँ और इसमें सिंपली मैं लिखूँगा इस प्रकार से जनवरी, या मैं डुअल कोट में इसको लिखता हूँ इस प्रकार से जनवरी, उसके बाद इस प्रकार से फेब्रुअरी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 12 मंथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अगर ये जो भी नंबर रिटर्न करता है तो उससे रिलेटेड ही ये काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे एरे में अगर मैं इस प्रकार से एरे लिखता हूँ, अगर मैं इसको 0 लिखूँगा तो ये क्या मेरे को देगा, ये मेरे को जनवरी देगा। तो इसी का उपयोग करते हुए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मंथ है मंथ को मैं नहीं लिखूँगा, सिंपली एरे को लिखूँगा और यहाँ पर मैं मंथ पास कर दूँगा। जो ये रिटर्न करेगा गेट मंथ वो यहाँ पे आएगा और ये एरे में पास हो जाएगा। ये अगर 5 रिटर्न करेगा तो ये देखिए 1, ये 0 1 2 3 4, ये 5, ये आपका देखने को मिलेगा। इसमें सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आपका जून रिटर्न हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका गेट मंथ काम करता है। आप यही एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो डेट है वो 0 से स्टार्ट होता है,
उसके बाद अगर आपको डेट चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए, मीन्स 0 से लेकर 31 तक, तो देखिए डेट में आपको 1 चलेगा, इसमें 0 नहीं चलेगा। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ये 1 से लेकर 31 तक ये चलेगा डेट। तो मैं यहाँ से इस एरे को रिमूव कर दूंगा और सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं पास करूँगा गेट डेट मेथड को, और यही वेरिएबल मैं रखता हूँ। यहाँ से एरे को रिमूव कर दूंगा और सिंपली मंथ वेरिएबल ही रहेगा। सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए ये मेरे को करंट डेट रिटर्न कर रहा है, ये जो 15 डेट है वही रिटर्न मुझे कर रहा है। अगर मुझे चाहिए आवर, मीन्स मेरा घंटा कितना है मेरे कंप्यूटर के अनुसार, तो मैं उपयोग करूँगा गेट आवर्स। और आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये 0 से लेकर 23 तक ये जाता है, इसका मतलब है कि ये 1 से लेकर 24 तक नहीं जाएगा। चलिए इसका भी हम लोग देख ही लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट और यहाँ पे मैं आवर्स पास करूँगा, लेकिन यहाँ पे एस होगा आवर्स है। सिंपली मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये मेरे को 19 आवर बता रहा है, क्योंकि ये देखिए ये मेरे 24 टाइम में ये कन्वर्ट है। इसी को अगर मैं 12 में कन्वर्ट कर दूँ तो ये मेरे को जितना डेट टाइम होगा उसी में ही मेरे को दिखाएगा। तो आप इस प्रकार से आवर्स निकाल सकते हैं। अगर आप मिनट्स निकालना चाहते हैं तो ये भी आप मिनट्स निकाल सकते हैं गेट मिनट्स मेथड के माध्यम से, और इसमें भी आप 0 से लेकर 59 तक ही आपका रहेगा। सिंपली यहाँ पे आइए और यहाँ पे सिंपली आप पास कर लीजिए गेट इस प्रकार से मिनट्स, और सिंपली आप उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इतना मिनट्स आपका अभी कंप्यूटर में है। इस प्रकार से 55 मिनट्स आपके कंप्यूटर में हो रहा है, या मेरे कंप्यूटर में ही हो रहा है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके कंप्यूटर में कुछ और इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद है गेट सेकेंड्स। अगर आप सेकेंड्स पता करना चाहते हैं तो आप मेथड लगाएंगे गेट सेकेंड्स, ये भी आपका 0 से लेकर 59 तक ही आपको रिटर्न देगा, या आपको 16 नहीं देगा। अगर आपको 16 चाहिए तो इसमें आप +1 ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं पास करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली पास करूँगा गेट सेकेंड्स, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये अभी मेरे कंप्यूटर में इतना सेकेंड हो रहा है। मैं फिर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये मेरे कंप्यूटर में 3 सेकेंड हो गया। फिर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए 7 सेकेंड हो गया, क्योंकि सेकेंड ये बढ़ता रहता है आपको कंप्यूटर में, तो आपको कंप्यूटर के अनुसार ही ये आपका रिजल्ट देगा। इस प्रकार से आप सेकेंड भी पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या बच गया, गेट मिली सेकेंड। तो आप देखिए गेट मिली सेकेंड 0 से लेकर 999 मीन्स 999 तक आपका देगा, 1000 आपका रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप पास कर लीजिए गेट इस प्रकार से। देखिए ये कैपिटल लेटर में है क्या, हाँ कैपिटल लेटर में आपका मिली सेकेंड है, तो इस प्रकार से लिखिए आप मिली सेकेंड्स, और यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए आपका 251 मिली सेकेंड है। देखिए मिली सेकेंड ये हमेशा आपका चेंज होता रहेगा जब जब रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि देखिए मिली सेकेंड के बाद ही सेकेंड आता है, सेकेंड के बाद मिनट, और मिनट के बाद आपका आवर आता है। उसके बाद क्या बचता है, आपका गेट टाइम बचता है। तो चलिए इसका भी हम लोग उपयोग देख लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर लागू करूँगा गेट टाइम इस प्रकार से, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए ये मेरे को जो टाइम रिटर्न कर रहा है ना, ये मेरे को टाइम मिली सेकेंड में ही रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जाता हूँ और इसको सबसे पहले मैं इसको कमेंट में रख देता हूँ, और ये जो मेरा का न्यू डेट है इसके अंदर मैं इतना मिली सेकेंड पास करता हूँ, और यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल है उसको मैं डेट पास करता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए मेरे कंप्यूटर में करंट डेट एंड टाइम मेरे को रिटर्न कर दिया मंडे यहाँ पे जून और 15 आपका तारीख रिटर्न कर दिया। तो इसी प्रकार से अगर आप गेट टाइम लिखते हैं तो आपका मिली सेकेंड में वो आपका रिटर्न करेगा, आपका करंट डेट टाइम एयर मिनट्स आपका रिटर्न करेगा। उसके बाद आपका आता है गेट डेज,
तो अब चलिए इसका भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, गेट डेज मैप का 0 से लेकर 6 तक जाता है, 7 तक नहीं जाता है। अगर 1 से ये आपका जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता तो ये 7 तक जाता है। तो चलिए इसका भी हम लोग उपयोग देख लेते हैं। तो यहाँ से जो मैंने इसको कमेंट किया था इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, और इसका जो मिल सेकेंड इसको मैं रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली पास करूँगा गेट इस प्रकार से डेज, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइप में मंथ वेरिएबल को पास कर दूंगा, और सिंपली मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए कुछ रिजल्ट मेरे को नहीं मिला, यहाँ मेरे को एरर बता रहा है गेट डेज। तो हो सकता है कि गेट डेज नहीं गेट डे हो। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए अब मेरे को रिटर्न आ गया 1। इसका मतलब है ये मेरे को 1 बता रहा है, मीन्स 0 से स्टार्ट होता है 0 1। तो 0 में आपका देगा संडे और 1 में देगा आपका मंडे। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी एरे का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें एरे का उपयोग कैसे करेंगे। तो सिंपली इस प्रकार से आप एरे बनाइए, और इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए इस प्रकार से संडे, उसके बाद आप इस प्रकार से इसमें लिख दीजिए मंडे, उसके बाद आप इसमें लिख दीजिए ट्यूजडे, और उसके बाद इसमें आप लिख दीजिए वेडनेसडे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 वीक्स का नाम लिख दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये मंथ रहेगा, जब जहाँ पे प्रिंट करूँगा वहाँ पे सबसे पहले मैं एरे लिखूँगा, और एरे के बिग ब्रैकेट के अंदर सिंपली मैं मंथ लिखूँगा। मंथ लिखने का मतलब ये है कि ये कोई ना कोई न्यूमेरिक नंबर ही रिटर्न करेगा, मीन 0 से लेकर 6 तक के रिटर्न करेगा। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए मेरे को मंडे ये रिटर्न कर दिया, इसके अनुसार यहाँ पे कितना रिटर्न आ रहा होगा 1, तो ये देखिए 0 और ये 1, तो यही मेरे को रिटर्न कर रहा है। तो सो गाइज गेट डेट मेथड पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चंस होगा, अगर आपको एक भी मेथड समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिएगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से मेरा व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी पर्सनली आप बात कर सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।